जानते हैं हमको, वही ना पूछ रहे कौन है, मीडिया है, हाथ का मार रहे हैं, मीडिया है जी, टाइम्स ऑफ इंडिया उठा कर माता फोन लगा। अच्छा मोबाइल क्यों पकड़ लिया, वही ना पूछ रहे तू कौन है, तू कौन है फिर, तुम बोल रहे हो। नमस्कार, मैं हूँ अमित जायसवाल और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। अब से कुछ देर पहले इंक्रोचमेंट हटाने के दौरान पुलिस ने लाठियां भांजी हैं, लाठियां इस कदर भांजी कि एक युवक को अधमरा कर दिया, उसे लहूलुहान कर दिया, उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा। पुलिस टीम में जो लाठीधारी जवान थे उन्होंने ऐसी लाठियां बरसाई कि युवक का सर फट गया। ये सब कुछ हुआ राजेंद्र नगर इलाके में। दरअसल पटना के जो डिविजनल कमिश्नर हैं आनंद किशोर, उनके आदेश पर पटना के अंदर इंक्रोचमेंट हटाने का जो है दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इस अभियान के दूसरे चरण के अभियान की शुरुआत कल शनिवार को हुई थी, कल बोरिंग रोड इलाके में चली थी और उसके आसपास के इलाकों में अभियान चला था, इंक्रोचमेंट हटाया गया था। आज जो है इंक्रोचमेंट हटाने के लिए टीम राजेंद्र नगर पहुंची, वहां पे हैंडलूम भवन है वैशाली गोलंबर के पास, और वहीं पे ये सारा कुछ हुआ। सन्नी नाम का एक युवक है जो लिट्टी चोखा बनाने की दुकान लगाता है, और जब टीम पहुंची तो उस सन्नी के पिता ने पुलिस वालों से समय मांगा, वह उनके साथ जो मजिस्ट्रेट थे उनके से समय मांगा कि 10 मिनट की मोहलत दे दी जाए, वो सामान हटाना चाहते हैं अपना, लेकिन उन्होंने जो टीम थी वो उन्होंने समय नहीं दिया। तो इसके बाद जो जानकारी हमें मिली कि सन्नी के पिता ने एक पुलिस के जवान का पैर पकड़ लिया था, वो पैर पर गिर गए थे समय मांगने के लिए उसके, लेकिन समय देने की जगह उसके साथ मारपीट की गई। पिता के साथ जो व्यवहार हुआ उससे सन्नी भी नाराज हो गया और उसने उसका विरोध किया, इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। लाठी डंडे उसके सर पे तो बरसाए ही पुलिस के जवानों ने, साथ ही साथ जो एक ईंटा था ईंटा उठा करके उसके सिर पे मार दिया। आपको हम वीडियो में दिखाएंगे कि किस कदर ईंटे पे खून है और किस कदर ये सारा कुछ हुआ, किस तरह उसे पीटा गया। अब वीडियो देखें पहले। कौन है, मीडिया है, हाथ का मार रहे हैं, मीडिया है जी, टाइम्स ऑफ इंडिया उठा कर माता फोन लगा। अच्छा मोबाइल क्यों पकड़ लिया, वही ना पूछ रहा तू कौन है, तू कौन है फिर, तुम बोल रहे हो। आपने वीडियो में देखा कि किस कदर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया गया है इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर। सन्नी पूरी तरह से अधमरा हो चुका है, अधमरे हालत में उसको इलाज के लिए PMCS ले जाया गया, जहां उसकी अभी इलाज चल रहा है, एडमिट कराया गया है उसे। इस मामले में आरोपी पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई होगी ये देखना होगा, क्योंकि इस मामले में कंप्लेन किया गया है पटना के डिविजनल कमिश्नर के पास। खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। इंक्रोचमेंट हटाने की जो कार्रवाई है इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।